subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज एक गेमिंग के लिए कैबिनेट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। एक बजट गेमिंग कैबिनेट आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे व्यूअर्स जब भी गेमिंग पीसी बिल्ट करते हैं तो वो कैबिनेट में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और एक आज मैं कम बजट के अंदर जेब्रोनिक्स कंपनी की कैबिनेट है और इसी गेमिंग कैबिनेट की करूँगा आज अनबॉक्सिंग। देखते हैं जेब्रोनिक्स की कैबिनेट की बिल्ड क्वालिटी कैसी क्या अपने को देखने को मिलेगी। लिक्विड फैन लगता है नहीं लगता है इसके अंदर, और कैसी क्या इसकी फ़ैन की स्पीड रहेगी। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग करने से पहले कर लेता हूँ मैं इसकी मैन्युफैक्चर की बात। तो मैन्युफैक्चर दिसंबर 2019 की मैन्युफैक्चर यहाँ देखने को मिल रही है, और जो बॉक्स पे एमआरपी दी हुई है वो है 5,499। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कितने रुपए की ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी ये काफ़ी सेल होती है। और फिलहाल कर लेता हूँ इसके मेन हाईलाइट फीचर्स की बात। इस पे जो मेन हाईलाइट फीचर्स है वो यहाँ दिया हुआ है, प्रीमियम गेमिंग केस और जेब्रोनिक्स कंपनी की है। इसका जो मॉडल है वो है डेमीटर, और इसी की करता हूँ मैं अनबॉक्सिंग। और फिलहाल करता हूँ मैं इसको ओपन। इसकी जो थर्मल कोर की पैकिंग दी हुई है वो काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी डैमेज होने का खतरा रहता है कैबिनेटों का। और फर्स्ट लुक मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टार्टिंग से आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ लोगो जेब्रोनिक्स का यहाँ दिया हुआ है, जेब्रोनिक्स की कैबिनेट है, और यहाँ इसका मॉडल है डीमेटर मॉडल यहाँ है। जो इसका सबसे ज़्यादा हाईलाइट कैबिनेट के आगे की तरफ है वो है RGB स्ट्रिप। ये वाली लाइट जब भी आप कैबिनेट में इसमें मदरबोर्ड लगाओगे तो ये वाली लाइट इसमें जलेगी, और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपने को मिल जाता है पावर बटन ऊपर की तरफ दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा फीचर से मेरे को लगा। और यहाँ अपने को मिल जाएगा रिस्टार्ट के लिए बटन, यहाँ अपने को मिलती है पावर LED लाइट, और यहाँ से आप अपने हेडफोन और अपने वूफर के लिए ले सकते हो आउटपुट, और यहाँ अपने ले सकते हो माइक के लिए। और इसमें दो ऊपर की तरफ दिए हुए हैं 2.0 के USB पोर्ट, और एक ऊपर की तरफ ही दिया हुआ है 3.0। और यहाँ अपने को मिल जाती है स्ट्रिप लाइट चेंज करने के लिए, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो आप लाइट को। यहाँ मिल जाती है अपने को डस्ट प्रोटेक्शन, जो आपके पीसी में डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। और विथ मैग्नेट के साथ ये अपने को देखने को मिल रही है, मैग्नेट भी काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखो, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। और मैं बढ़ता हूँ इसके अगले फीचर्स की तरफ। यहाँ अपने को मिल जाता है स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट ग्लास, और ग्लास पे भी क्या बताऊँ, लेमिनेशन किया हुआ लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कभी कभार स्क्रेच हो ही जाते हैं। और ये देखो क्या लुकिंग है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ अपने को मिल जाती है ट्रांसपेरेंट ये ग्लास, और दोनों तरफ से लेमिनेशन हुआ हुआ लग रहा है, और काफ़ी अच्छा है ये देखो। और जो ग्लास की क्वालिटी है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपने को मिल जाता है 120mm का फैन, और वो भी RGB के साथ, जो आपके PC को बहुत अच्छे लुकिंग वाइज करेगा। जैसे ये देखो RGB, ऐसे लाइटें जलती हैं। यहाँ दी हुई है इनकी केबल, इसमें आप 240 तक लिक्विड फ़ैन लगा सकते हो। इसमें 360 का RGB फैन कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। ये देखो, जैसे मैंने लगा रखा है 360 लिक्विड फ़ैन, इस वाली कैबिनेट में 240 तक का लिक्विड फ़ैन ही आप इसमें लगा सकते हो। और यहाँ लगा सकते हो आप पावर सप्लाई, और इसको मैं पीछे से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, नीचे से आप यहाँ से इसको पावर सप्लाई को लगा सकते हो, और इसमें जो केबलें, ये जो भी केबल हैं उनको आप अच्छे से इसको इंस्टॉल कर सकते हो इसमें। और मैं यहाँ नीचे की तरफ देखूँ तो यहाँ अपने को नीचे की तरफ मिल जाता है एयर वेंट, जो आपकी पावर सप्लाई को हीट नहीं होने देगा। और यहाँ अपने को मिल जाती है 4 रबर ग्रिप, जो आपके कैबिनेट को फिसलने नहीं देगी टेबल के ऊपर। और काफ़ी अच्छी कैबिनेट ये मेरे को यहाँ देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये था जेब्रोनिक्स की कैबिनेट की, जो भी मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई। इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को इतनी ज़्यादा बेस्ट लगी नहीं,
क्योंकि एक ग्लोरियस टाइप में कैबिनेट होनी चाहिए थी, वैसे मेरे को लगी नहीं इसकी। और जो इसमें सबसे अच्छा फीचर्स यहाँ आगे की तरफ दिया हुआ है, RGB लाइट इसमें जलेंगी। बात करूँ मैं इसके ट्रांसपेरेंट ग्लास की, तो वो एक मेरे को एक नॉर्मल सा पैनल यहाँ देखने को मिला है। इतना मजबूत पैनल ये है नहीं जैसे ये वाला मेरे पास GigaByte का है, लेकिन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा ही है। ये आपको मार्केट में आसानी से ये 2499 रुपये में ये आपको कैबिनेट मिल जाएगी, और इतने कम बजट में वैसे ठीक ही है ये। अगर आप एक गेमिंग PC बिल्ड करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा, कैबिनेट पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैं आपको एक मेन बात इसमें बताना चाहता हूँ, इसमें आप 360 तक लिक्विड फैन नहीं लगा सकते, 240 तक ही आप इसमें लिक्विड फैन लगा सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।